Hi lovely friend, welcome back with another blog. How are you all? I hope you are all doing great. In today's video, I will be share very little small glimpse of my life, here, there stuff, and the before college, after college, what I'm doing all throughout the day. I will be sharing a lot of those things. And nowadays, I'm not getting enough time to record the video, make the blogs. Although I love to make a video, I love to record, but I'm not getting time because I'm getting late sleep night and wake up early morning because I have to prepare breakfast, lunch, dinner, everything, and lunch boxes. As you can see, I have to prepare 3 lunch box snacks for everybody and healthy food for the whole, for everybody. So that's why I'm not getting enough time. I wish I can record every day blog, but I'm not getting that. But I promise I will make some more videos, and whenever I'll get the time, because that I'm going college and the online class is just fine for me, but going college, it takes a lot of time, and traveling take the 3 hours for me. It's a very simple 3 hours it takes, and I don't like to go at college because I love online classes. Saves my a lot of time, and online class is my like just love it. But in person class, although I can meet the professor, a lot of student, get a lot of knowledge, but as a mom, I have to save those 3.5 hours, and I just want to save that one. But I love to go campus also to do all those stuff, but it's fine. It's the life, so it's going on. So while coming back, I picked all those flower for the puja. हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अभी आज तो है पूजा और बहुत लेट हो गया है, कुछ कर ही नहीं पाए हैं, तो पूजा का सामान सब लेके आई हूँ, ये फ्लावर ये सब, और बाकी का बहुत सारा तैयारी करना है. आज मैं थोड़ा आईब्रो भी बनाने गई थी, तो आईब्रो बनवा के आई हूँ, और देखते हैं जल्दी जल्दी से पूजा का तैयारी करते हैं, क्योंकि शाम मेरा क्लास भी है 4 बजे से 6:45 तक चलेगा. तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे ऑफिस से, अम्बी भी आ जाएगी स्कूल से, बाकी के सारे तैयारी हो जाएगा. और जो पूजा का सामान लेके आई हूँ, देख तो ये मैं फ्लावर लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छा कलरफुल फ्लावर है के यहाँ के, यहाँ पे पूजा के सामान है. अभी तो बहुत लेट हो गया, जल्दी जल्दी से पूजा का तैयारी करते हैं, क्योंकि पूजा हो जाए तो अच्छा लगता है घर में. और पूरा कड़ा हुआ है, किचन को भी क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद ही पूजा का इस पे सामान बनेगा, इसलिए पहले किचन की भी क्लीनिंग करते हैं जल्दी जल्दी. तो आज मैं सुबह सुबह कॉलेज चली गई थी, और मैं सोची थी शाम को ही पूजा करूंगी, गणपति स्थापना करूंगी, और उसके लिए ही मैंने सुबह में नहीं की, क्योंकि सुबह होता भी नहीं और बहुत टाइम लगता. तो आज मेरा क्लास एक ही क्लास था, इन पर्सन क्लास, और ऑनलाइन क्लास है वो 4 बजे से है, तो वही मैं करूँगी. और उसके साथ ही मैंने, मेरे पास 1 बजे से 4 बजे का ही टाइम है, इसके बीच में मुझे पूजा की सारी तैयारी करनी है. मैंने कुछ डेकोरेशन नहीं किया है और ना ही कुछ तैयारी करके रखी हूँ, और बस मैं हैरिस चली गई. जो भी मुझे फ्रूट्स लेना था वो ले ली, मुझे कोकोनट चाहिए था वो नहीं मिल पाया, मिल्क पाउडर चाहिए था वो भी नहीं मिल पाया, तो जो जो नहीं मुझे नहीं मिला मैं छोड़ दी, क्योंकि वापस से किसी और दुकान में जाती, वहाँ से सामान लाते मुझे काफ़ी टाइम लग जाता, इसलिए मैं नहीं कर पाई. और मैं आ गई घर, जितना सामान है उतना में ही मैं भगवान की पूजा श्रद्धा से करूँगी, तो इसलिए मैं फ्लावर और जो थोड़ा बहुत लेना था लेके आई, और किचन क्लीनिंग स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि सुबह से जो भी सामान ये सब बना हुआ था सारा नमक का है, और मैं थोड़ा सा पूजा का प्रसाद बनाऊँगी, इसलिए मुझे गैस भी क्लीन करना है. तो उसके लिए सबसे पहले डिशवाशर भी खाली करना है, क्योंकि बर्तन यहाँ पे मुझे पूजा का धोना है, तो वही सब मैं करूँगी. और यहाँ पे मैं डिशवाशर पहले कर लेती हूँ जल्दी से खाली, और डिशवाशर खाली करने के बाद मैं बर्तन वर्तन धोऊँगी. पूरा
बर्तन ये सब धो दिए हैं, पर गैस ये सब क्लीन कर लेते क्योंकि वहाँ पे पूजा का सामान बनाना है, तो चलिए जल्दी जल्दी से वो भी करते हैं। ये सब मैंने धो लिया है और पूरा किचन क्लीन कर दी और सारा कुछ इधर भी क्लीन हो गया है, और बाकी का भी फ्लोर थोड़ा सा क्लीन करना है पूजा के लिए, और उसके बाद चलते हैं स्नान करके आते हैं, फिर जाके बाकी का पूजा का तैयारी करते हैं। कॉलेज से आते आते ना काफ़ी लेट हो गया, सुबह उठ के पूजा करना थोड़ा सा ये है, मतलब बहुत ज़्यादा सुबह टाइम लगता है ना, और सुबह निकलना होता है, अम्बिका स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, मेरा कॉलेज है, तो लंच बॉक्स ये सब पैक करते करते काफ़ी लेट हो गया, तो मैं सोची कॉलेज से आके ही पूजा करूँगी, तो अभी तो सारा काम आ गई हूँ, बट क्लास है और 1 बज गए हैं, तो उधर से आते आते ही पूरा प्रसाद फ्लावर जो भी लेना था जो नहीं मिला मैं छोड़ दी, जो मिला वो ले ली, और बाकी का जल्दी जल्दी से सिंपल सा भगवान का पूजा करते हैं क्योंकि पूजा तो ज़रूरी है ना, जैसा भी करो श्रद्धा होना चाहिए दिल में, तो वैसा चलिए पूजा करते हैं और तैयारी करते हैं। छोटा मोटा तो मैंने कुछ भी डेकोरेशन नहीं किया, कुछ भी चीज़ नहीं मंगा पाई हूँ डेकोरेशन का, तो सिंपल सा जो जो भी मेरे पास जो मैं फ्लावर लेके आई हूँ इसी से मैं डेकोरेशन थोड़ा सा कर दूँगी, थोड़ा सा पूजा कर लेंगे, घर में पूजा होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो हो गया है, तो चलिए करते हैं पूजा की तैयारी, पहले फ्लोर क्लीन कर लेते हैं और इसमें भी 30 मिनट्स तो लग ही जाए। जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं, झाड़ू लगाने के बाद मैं फ्लोर क्लीन करूँगी, पोछा लगाना है और पोछा लगाने में भी टाइम लगेगा, तो सबसे पहले चलते हैं ये थोड़ा क्लीनिंग का काम करते हैं क्योंकि घर में पूजा है तो पोछा लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और घर क्लीन हो तभी पूजा करने में भी अच्छा लगता है, और मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और चलते हैं, मैं जल्दी से लेके आती हूँ अपना मॉप, मॉप में डालेंगे लिक्विड, और ये वाला लिक्विड डालने से फ्लोर में क्लीन करती हूँ, बहुत अच्छा क्लीन होता है, और घर में इतनी अच्छी भींगी भींगी सी फ्रेग्रेंस होती है ना फ्लावर लैवेंडर की, बहुत अच्छा लगता है, तो चलते हैं जल्दी से मैं कर लेती हूँ फ्लोर को क्लीनिंग, उसके बाद बाकी के काम करने हैं, और ये सब काम ना मैं सुबह नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम होता है, सुबह मुझे सबके लिए ब्रेकफास्ट लंच भी करना होता है तो वो ज़रूरी है, और मैं सोची शाम को पापा की पूजा करेंगे तो अच्छे से करेंगे, और मतलब बहुत साफ़ सफाई क्लीनिंग के साथ, और जब क्लासेस होना तो थोड़ा सा यही हो जाता है, दिक्कत हो जाता है जाने आने में, अगर वो 3 घंटा मुझे जाना आना ना पड़े तो उसमें मैं पूरा घर का कितना सारा काम कर लूँगी, कॉलेज जाना तो मुझे अच्छा लगता है, बट आपके पास अगर इतना सारा काम नहीं हो, कॉलेज जाओ और अपना पढ़ाई करके आ जाओ तो ठीक लगता है, बट घर आके फिर आपको अपनी मम्मी वाली भी ड्यूटी की पूरी करनी होती है, मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो सब करना भी ज़रूरी है, और मैं पोछा लगा ली हूँ, मेरा पोछा लग गया है, तो अभी मैं इसको बैकयार्ड में रख देती हूँ मॉप को क्लीन करके अच्छी तरह से, ये ड्राई हो जाएगा और उसके बाद मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए। हो गई है पूरा डन, और अब शावर लेने के लिए, शावर के बाद करेंगे पूजा की तैयारी, तो चलिए चलते हैं, बहुत सारा काम करते करते ना बहुत ही लेट ही हो गया, 2 बज गया है ऑलमोस्ट,
बज गया है, अभी बस 1-2 घंटा ही बचा है, सारा तैयारी करते हैं, फिर क्लास है, बहुत सारा काम है। ओ माय गॉड, काम, घर के काम ख़त्म ही नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं। आई मीन एक काम छोड़ो, दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म, तीसरा शुरू, इस तरह से होते हैं। काम तो हो गया, अभी वहाँ पे वो सब लगाना है, ये रग लगाना है, फिर वो हमारा जो वो गैस के ऊपर है वो लगाना है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ काम है। चलिए फटाफट से ख़त्म करते हैं, और बहुत टायर्ड लग रहा है अभी तो, मुझे अभी लग रहा है कि अभी थोड़ी देर सो जाऊं, बट नहीं सो सकते, चलती है, करते हैं काम। अभी ऑन करके रखी हूँ कि जल्दी से फ्लोर मेरा जो है ना ड्राई हो जाए, तो इधर कुछ कुछ तो ड्राई हो गया, उधर पूजा की तरफ ड्राई नहीं हुआ, तो वहाँ पर ड्राई हो जाएगा। हाँ, अभी यहाँ पे है, और नीचे इतने सारे कपड़े मैंने कलेक्ट किए हैं, इन सबको अभी ले जाके लॉन्ड्री में रखना है, तो चलिए चलते हैं। और फ़ोन भी डिस्चार्ज को कर देते हैं पहले, चार्ज फिर करेंगे और भी बाकी के काम। तो सारा क्लीनिंग के बाद मैं गई शावर लेके आई हूँ। शावर लेके आने के बाद मैं यहाँ पे अपना किचन में थोड़ा बहुत पूजा की तैयारी करना है, तो वो सब कर लेंगे। और मैं ये जो किचन में गैस का जो ग्रेट होता है इसको क्लीन करके रखी थी, ये ड्राई हो गया है अच्छी तरह से, और मैं इसको इस पर बिठा देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे रखूँगी दूध बॉयल होने के लिए, पूजा के लिए मुझे प्रसाद बनाना है। ऑल्दो मैं मोदक बनाती, बट मोदक बनाने का सामान मुझे नहीं मिला, और मेरे पास मोदक का मोल्ड भी नहीं है, तो मैं नेक्स्ट ईयर से अच्छे से करूँगी। बट इस साल मैं थोड़ी मिठाई ही बना लेती हूँ, मिठाई से ही पूजा करूँगी भगवान का। तो यहाँ पे मैं दूध बॉयल करने के लिए रख दी हूँ, और बाकी के किचन के सारे काम, दूध बॉयल होने में टाइम लगेगा, और किचन के मीनवाइल साथ साथ ही जो भी काम है वो कर लेते हैं किचन का। और उसके बाद मैं पूजा की तैयारी जो करी हूँ वो आपके साथ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी फ्रेंड, क्योंकि कॉलेज से आने के बाद मैंने क्या क्या किया वो सब मैं आपके साथ शेयर की हूँ, और पूजा का ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, और आप प्लीज़ वो भी ब्लॉग देखिएगा। और इस ब्लॉग को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि लंबा ब्लॉग किसी को देखना पसंद नहीं है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड। और आने वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, और आपका बहुत बहुत थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, बाय फ्रेंड्स।